सो असेंबली लाइन पे तैयार होने वाली मशीन जो है अब ये क्वालिटी लाइन के ऊपर आ जाती है, जहाँ इनका थॉरली जो है वो क्वालिटी चेक होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो अंदर पल्स क्रिएटर होता है, जिसको हम आम जबान में फूल कहते हैं, ये उसको चेक करते हैं कि क्या वो सही तरह फिक्स है, वो कहीं पर फंस तो नहीं रहा। उसके बाद जो है इसका इलेक्ट्रिक पैनल अच्छे तरीके से चेक किया जाता है और ये तमाम तर लोग अपने एक एक प्रोसेस को अश्योर करते हैं। ये तकरीबन 800 के करीब वॉशिंग मशीन जो है वो डेली एक शिफ्ट में यहाँ प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ये हमने जो आपको दिखाई बेस को फिर बाद में फिट किया जाता है। ये जो इसका इनर टब है, इनर टब को भी सब असेंबल किया जाता है, इस पर पूरी लगाई जाती है, एक ड्रेन पाइप लगाया जाता है और फिर यहाँ इनको फिट कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो पाइप से जिससे काम कर रहे हैं, ये बेसिकली न्यूमेटिक गन्स हैं। आसान अल्फाज में इनको इलेक्ट्रिकल, आप कह लीजिए स्क्रू ड्राइवर्स भी कहा जा सकता है, जो कि इसके स्क्रू को टाइट करती हैं। अच्छा, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ जो है ना, यहाँ पर काम हो रहा है बारीकी के साथ। जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि पुली एडजस्ट की जाती है, यहाँ पर बेल्ट लगाई जाती है उस पुली को और मोटर को, जो कि फिर बाद में इस मोटर को जो है मूवेबल बनाती है। एक प्रोसेस के अंदर फिर यहाँ इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। इलेक्ट्रिकल वायर्स के बाद एक और यहाँ पर छोटा सा एक प्रोसेस होता है, ये आप लोगों ने चीज़ देखी होगी जो आपकी मोटर आपकी वॉशिंग मशीन में आमतौर पर लगी होती है। ये इसलिए होती है कि जब कपड़े धुलते हैं तो जो मोटी मोटी कॉन्टेमिनेशन है वो उसमें जमा हो जाए और इससे कुछ किस्म का कोई ड्रेन पाइप जो है वो बंद ना हो। इसके बाद यहाँ पर जो है आप कह लीजिए जो इसका मेजर सेट है वो फिक्स किया जाता है मशीन के अंदर, और फिर आगे ये छोटी छोटी बारीकियाँ जो हैं ये न्यूमेटिक गन के ज़रिए इसके ऊपर भी जो है इसको स्क्रू ड्राइवर से फिक्स कर रहे हैं, ताकि ये मजबूत रहे और वो जो क्वालिटी जिसकी गारंटी जो है वो देती है सुपर एशिया, वो क्वालिटी हमें हर चीज़ में नज़र आए। एक और बहुत अहम प्रोसेस है, दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिकल पैनल। अच्छा, ये कंट्रोल पैनल जो है, जिससे हम ये तमाम तर अपने काम जो है वो कंट्रोल करती हैं, वो यहाँ पे फिक्स किए जा रहे हैं और ये सारा इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं कि हाथ से एक एक चीज़ को देख के जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल काम जहाँ आता है वहाँ सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए जो वायर्स जिनको जोड़ा जा रहा है, इनको ख़ास किस्म की एक येलो कैप जो है वो चढ़ाते हैं। अच्छा, इस येलो कैप का फ़ायदा ये होता है कि किसी किस्म का कोई फायर जो है, आप कह लीजिए कि शॉर्ट सर्किट जो हो जाते हैं वो नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर इस पर प्लास्टिक भी अप्लाई किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि पानी जो है वो उसमें ना आ जाए। तो ये तो सारा असेंबली लाइन का प्रोसेस है। आगे चल के इसका क्वालिटी चेक किया जाता है, वो किस तरह आपको वो दिखा। सो असेंबली लाइन पे तैयार होने वाली मशीन जो हैं अब ये क्वालिटी लाइन के ऊपर आ जाती है, जहाँ इनका थॉरली जो है वो क्वालिटी चेक होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो अंदर पल्स क्रिएटर होता है, जिसको हम आम जबान में फूल कहते हैं, ये उसको चेक करते हैं कि क्या वो सही तरह फिक्स है, वो कहीं पर फंस तो नहीं रहा। उसके बाद जो है इसका इलेक्ट्रिक पैनल अच्छे तरीके से चेक किया जाता है और ये तमाम तर लोग अपने एक एक प्रोसेस को अश्योर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर वाटर टेस्ट शुरू होता है। तो यहाँ पानी आप देख सकते हैं कि वो डाला जा रहा है, और जहाँ पानी डाल रहे हैं साथ साथ ही इसके ऊपर स्टिकर अप्लाई कर रहे हैं, और फिर इसको जो है आगे शिफ्ट किया जाता है अगले क्वालिटी चेक में। यहाँ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पैनल्स लगे हुए हैं और इलेक्ट्रिक वायर को यहाँ लगाया जाता है, मशीन को चला के देखा जाता है। तो दोनों, एक तो वाटर टेस्ट भी हो रहा है, साथ साथ इलेक्ट्रिकल टेस्ट भी हो रहा है कि क्या मशीन जो है वो अपना काम सही तरीके से सर अंजाम दे रही है नहीं। और फिर आगे चलकर आप देख सकते हैं कि पानी को खुश किया जाता है, ड्रेन किया जाता है, और साथ साथ ये वर्कर जो है इसको कपड़े से साफ कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं। आखिर में एक और क्वालिटी चेक होता है, थॉरली आप कह सकते हैं कि ये दो लास्ट गेट कीपर हैं, जो कोई भी अगर छोटा मोटा मसला भी है मशीन का उसको देखते हैं, उसके विजुअली देखते हैं कि एस्थेटिकली उसमें कोई कमी तो नहीं, वॉबल तो नहीं कर रही, नॉइज़ तो नहीं आ रही। ये तमाम तर चीज़ों को चेक करने के बाद, अश्योर करने के बाद आगे इसको पैकिंग सेक्शन में भेज जाते हैं। पैकिंग कैसे होती है आपको वो भी दिखा दें। क्वालिटी चेक के बाद इन मशीन्स को जो है पैकिंग सेक्शन में लाया जाता है, और पैकिंग से पहले जो है इसके अंदर इस तरह की एक टोकरी सुपर एशिया अपने क्लाइंट्स के लिए एज अ गिफ्ट रखता है। और साथ ही साथ इसके अंदर ना सिर्फ वारंटी कार्ड्स होते हैं, बल्कि ये क्लॉथ पैक्स भी होते हैं, जिसमें आप अपने कपड़े सुखाने के काम आ सकते हैं। और ये जो मशीन्स हैं
फिर इनको यहाँ ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कार्टन में पैक किया जा रहा है, और कार्टन में पैक करने के बाद इस पर स्ट्रिप सप्लाई की जा रही हैं ताकि ये कार्टन से बाहर ना निकल सके, और फिर इनको गोडाउंस में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ से पूरे पाकिस्तान में जो है वो डिस्पैच और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चलते हैं, आपको सुपर एशिया का डिस्प्ले सेंटर दिखाते हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है। क्या क्या ये बना रहे हैं और किस किस किस्म की वॉशिंग मशीन्स बना रहे हैं ये आपको दिखाते हैं। सो फाइनली इस वक्त हम मौजूद हैं सुपर एशिया के इस खूबसूरत से डिस्प्ले सेंटर में जहाँ पर इन्होंने अपनी तमाम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़ी खूबसूरती से डिस्प्ले की हैं, और ख़ास तौर पर वॉशिंग मशीन जिसकी मेकिंग प्रोसेस हमने आज आपको दिखाया। यहाँ पर तमाम रेंज ऑफ वॉशिंग मशीन मौजूद हैं, और फॉर्चुनेटली हमारे साथ इनके यंग डायरेक्टर उमर अशरफ मुगल भी मौजूद हैं। तो उमर भाई बताइएगा कितनी किस्म की जो है वॉशिंग मशीन्स बना रहे हैं, और टोटल कितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सुपर एशिया बना रहा है? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वॉशिंग मशीन में हम लोग मार्केट में पायनियर हैं, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन की रेंज है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुपर एशिया के पास है।